गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आज की इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में वेलकम है। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो टॉपिक सेट्स काफ़ी लंबा टॉपिक था, आज इसको हम कंक्लूड करेंगे, फाइनल करेंगे। कल हमने इसी टॉपिक में एप्लीकेशन सब सेट्स को लिया था, तो कैसे हम अप्लाई करते हैं सेट्स को डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स में, तो चलिए आज इसी को कंटिन्यू करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। तो टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें मैंने आपको कुछ फार्मूले भी बताए थे, और आज उन्हीं फार्मूलों को जो कि यूनियन और इंटरसेक्शन पे बेस्ड हैं कंटिन्यू करते हैं उसी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज को। तो चलिए, पहला फार्मूला मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन जो होती है तीन चीज़ों का ऐड होता है। देखिए, ये एक सेट ए है, ये सेट बी है, ये जो बीच वाला हिस्सा छोड़ के लेफ्ट में है आधा टुकड़ा ए का, मैंने कल भी बताया था, ये है ए माइनस बी, ए बट नॉट बी, यानी कि ए ओनली। और ये जो राइट साइड वाला टुकड़ा है बी माइनस ए का, इसमें ये बीच वाला छोड़ के इसको हम कहते हैं बी ओनली, बी बट नॉट ए, यानी कि बी ओनली, ये था ए ओनली और बीच में हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो तीनों को ऐड करें तो बनती है यूनियन, एकता। यूनियन मीन्स ए ग्रुप, कॉम्बिनेशन। सो यूनियन में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी में होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी यानी कि ए ओनली प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए एंड बी ओनली प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यानी कि बोथ, बीच में कॉमन जो है ए ओनली प्लस बी ओनली प्लस कॉमन। अब तीनों को ऐड करें तब भी ये यूनियन बनती है, लेकिन इसी का दूसरा फार्मूला मैंने बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। यहाँ पर ए यूनियन बी प्लस थी, जो बोथ था कॉमन था वो प्लस था, इसमें माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ए ओनली था, ए कंप्लीट नहीं था, बीच वाला टुकड़ा बाहर था, इसमें भी बी ओनली था, बीच वाला टुकड़ा बाहर था, और यहाँ पर एन ऑफ ए में भी बीच वाला टुकड़ा है इंटरसेक्शन वाला, और एन ऑफ बी में भी बीच वाला टुकड़ा है इंटरसेक्शन का। अब इसमें भी है, इसमें भी है, तो दो दफ़ा हो गया, होना चाहिए था एक दफ़ा, जो एक दफ़ा फालतू है क्योंकि दो दफ़ा हो चुका है इसमें भी और इसमें भी, जो एक दफ़ा फालतू है वही माइनस हुआ है। सो यहाँ पर फार्मूला, अगर हम एन एफ ए ओनली ना लें बल्कि एन एफ ए कम्प्लीट लें, तब कम्प्लीट में दो टुकड़े हैं, एक ए ओनली प्लस बीच वाला इंटरसेक्शन। सो एन एफ ए में क्या होता है, ए ओनली वाला टुकड़ा प्लस इंटरसेक्शन वाला टुकड़ा, तभी ए कम्प्लीट होता है, एन एफ ए कम्प्लीट होता है। और एन एफ बी को कम्प्लीट करना हो तो बी ओनली प्लस बीच वाला, बी ओनली प्लस बीच वाला। तो यहाँ पर यूनियन में एन ऑफ ए, क्योंकि ए कम्प्लीट है, प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस क्यों है, क्योंकि इन दोनों में इंटरसेक्शन का कॉमन टुकड़ा दोनों में आ चुका है, तो एक दफ़ा फालतू आया था, एडिशन में एक ही दफ़ा होना चाहिए, जो एक दफ़ा फालतू आया है वही माइनस हुआ है। तो फार्मूला चाहे इस तरीके से लिखें या इस तरीके से, दोनों का डिपेंड करता है हमें क्वेश्चन क्या पूछा है। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लेते हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट साइज दैट X has 40 elements, X union Y have 60 elements and X intersection Y has 10 elements. Intersection हो गया both, union हो गया group. How many elements does Y have? यहाँ पर Y only नहीं है, Y have, यानी कि n of Y हमने ढूंढना है. So now we have number of elements in X में कितने हैं, 40. n of X हमारा 40 है, X union Y हमारा कितना 60 है, both एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना हमारा 10, और हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ वाई है, वाई मीन्स एन ऑफ वाई हमने ढूंढना है। वी नो, हमें पता फार्मूला, चाहे ए और बी में हो या एक्स और वाई में हो, ये सेकंड फार्मूला मैंने आपको बताया था, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स कंप्लीट है प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, क्योंकि हमने एन ऑफ वाई ढूंढना था इसलिए एन ऑफ वाई वाला सेकंड फार्मूला लगाया हमने। तो ए के बदले एक्स है और बी के बदले वाई है। एन ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना दिया हमें, 60, एन ऑफ एक्स हमें दिया 40 एलिमेंट्स, एन ऑफ वाई हाउ मेनी एलिमेंट्स वाई हैव, एन ऑफ वाई हमने निकालना है, और बोथ यानी कि इंटरसेक्शन में बोथ होता है, इंटरसेक्शन में हमने 10 दिए। सो 60 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 कितना हुआ, 30। सो एन ऑफ वाई प्लस 40 माइनस 10 कितना हुआ, 30। अभी एन ऑफ वाई किसके बराबर हुआ, 60 माइनस 30, एन ऑफ वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 30 विच इज एन ऑफ वाई इज इक्वल टू 30, तो 30 इसका आंसर है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ऑफ वाई कितने हैं, 30। चलिए इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी
52 like tea and each person likes at least one of the two drinks. How many people like both tea and coffee? तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास कॉफ़ी और दूसरी हमारे पास टी। तो पहले ए और बी के बदले कॉफ़ी के बदले सॉल्यूशन कैसे लेंगे, लेट अस डिनोट कॉफ़ी को सी से, ए के बदले सी आया एंड टी को टी से। दो चीज़ें हैं हमारे पास आइटम में, क्या है कॉफ़ी और टी। लेट अस डिनोट हम पहचानते हैं कॉफ़ी को सी से और टी को टी से। अब ग्रुप, ग्रुप मीन्स यूनियन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन है क्या कॉफ़ी और टी, सो सी यूनियन टी, एक सी है और दूसरा टी है। नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी कितने हैं, 70, क्योंकि ग्रुप 70 का है। 37 लाइक कॉफ़ी, एन ऑफ सी कितना है 37, एन ऑफ सी हमारा 37। 52 लाइक टी, सो एन ऑफ टी हमारा 52 है, एन ऑफ टी हमारा 52 है। एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ, बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, बोथ क्या होता है इंटरसेक्शन, टी एंड कॉफ़ी। सो एन ऑफ पहले क्या था सी और फिर टी, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी यानी कि बोथ हमने ढूंढना है, एन ऑफ बोथ, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी यानी कि बोथ हमने ढूंढना है। अब फार्मूला हमें वही जो सेकंड फार्मूला हमारा ए और बी के बदले सी एन टी है, यहाँ पर वही नो एन ऑफ सी यूनियन टी किसका बदलता है एन ऑफ सी, दूसरा है बी के बदले टी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। ये माइनस क्यों किया, क्योंकि सी के अंदर भी इंटरसेक्शन है और टी के अंदर भी इंटरसेक्शन है, दोनों में इंटरसेक्शन है इसलिए एक दफ़ा माइनस होगी। सो यूनियन कितने की थी 70 की, एन एफ सी में कितने थे 37, एन एफ टी में 52 और एन एफ सी इंटरसेक्शन टी जो हमने बोथ हमने निकालने हैं, इंटरसेक्शन बोथ हमने निकालनी है। चलिए 70 इज इक्वल टू 37 प्लस 52 कितना हो गया 89, 70 इज इक्वल टू 89 माइनस 89 माइनस सी इंटरसेक्शन टी, और ये माइनस वाला लेफ्ट में ले लो, एन एफ सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 89 माइनस 70, सो 89 में से 70 निकाले तो 19। सो बोथ पर्सन हु कैन टेक बोथ कॉफ़ी एंड टी वो कितने हैं, जो कॉफ़ी भी पीते हैं और टी भी पीते हैं, वो है 19। तो 19 लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। सो क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डिफरेंट है क्वेश्चन फर्स्ट फार्मूले पे है। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक टेनिस। तो टेनिस ओनली और टेनिस में फ़र्क है, टेनिस कंप्लीट है और टेनिस ओनली में जो क्रिकेट है वो माइनस हुआ है। तो दो आइटम हमारे पास यहाँ पर कौन सी हैं, एक है हमारे पास क्रिकेट और दूसरी हमारे पास है टेनिस, क्रिकेट एंड टेनिस। चलिए लेट अस नोट पहले क्रिकेट को किससे पहचानेंगे, सी से एंड टेनिस बाय टी। अब ग्रुप कितने का, ग्रुप मींस यूनियन 65 का, सो एन ऑफ सी क्रिकेट टी टेनिस, सी यूनियन टी, एन ऑफ सी यूनियन टी कितना है 65। 10 लाइक बोथ, बोथ होता है इंटरसेक्शन, सो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी कितना है 10, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी कितना है 10। और उसके बाद हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, टेनिस ओनली होता है, टेनिस और क्रिकेट है, क्रिकेट और टेनिस है, तो टेनिस का मतलब होता है टी माइनस सी, टेनिस लाइक करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं, तो ओनली का मतलब होता है टी माइनस सी। सो एन ऑफ टी माइनस सी यानी कि टेनिस ओनली हमने ढूंढना है, साथ में हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट हो गया टी माइनस सी, ये हो गया टेनिस ओनली, एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस एन ऑफ टी इज इक्वल टू फाउंड। वो नो, तो हमने फर्स्ट फार्मूला बताया था एन ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू, पहले चलिए एन ऑफ सी यूनियन टी किसके बराबर होता है, एन ऑफ सी फर्स्ट सेकंड फार्मूला से शुरू करते हैं, एन ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी यूनियन सी इंटरसेक्शन टी। तो वही यूनियन का फार्मूला, क्रिकेट के बदले सी है और टेनिस के बदले टी है। तो यूनियन कितने थी, ग्रुप कितने लोगों का था 65 का, एन ऑफ सी में कितने लोग थे जो क्रिकेट लाइक करते हैं 40 लाइक क्रिकेट, सो एन एफ सी कितने थे 40, और एन एफ टी टेनिस कितने लाइक करते हैं वो हमने ढूंढना है एन एफ टी, माइनस बोथ कितने लाइक करते हैं सी इंटरसेक्शन टी कितना था 10। तो यूनियन में 65 हो गए, क्रिकेट कितने लाइक करते हैं 40, एन एफ सी 40 है, एन एफ टी हमने निकालना है, और
तो 60 इज इक्वल टू 40 में से 10 निकालो 30, तो एन एफ टी आपका कितना निकला 65 माइनस 40 में से 10 निकाले 30, तो कितना आया एन एफ टी हमारा निकला 35। अब ये एन एफ टी जो है ये टेनिस है, टेनिस ओनली नहीं है। सो एन एफ टी हमारा निकला 65 माइनस 30 हो गया 35। अब मैंने आपको बताया जो एन एफ टी है दो चीज़ों का होता है। देखिए एन एफ टी में दो चीज़ें होंगी, एन एफ टी में क्या होगा, एक तो टी माइनस सी, साथ में सी इंटरसेक्शन टी, बीच वाला। सो एन एफ टी इज इक्वल टू, वी नो एन एफ टी इज इक्वल टू एन एफ टी माइनस सी प्लस सी इंटरसेक्शन टी, वी नो एन एफ टी इज इक्वल टू एन एफ टी माइनस सी प्लस एन एफ टी इंटरसेक्शन सी। अब एन एफ टी कितना निकला हमारा 35, एन एफ टी कितना निकला हमारा 35, और एन एफ टी माइनस सी इज इक्वल टू एन एफ टी माइनस एन एफ टी माइनस सी। सो एन एफ टी कितना था 35, और एन एफ टी इंटरसेक्शन सी कितना था 10। सो 35 माइनस 10 तो कितना आ गया 25, क्योंकि एन एफ टी जो था वो था टेनिस, और एन एफ टी माइनस सी हमने निकालना है वो कहाँ से निकलेगा, एन एफ टी के अंदर ही एन एफ टी माइनस सी होता है। सो एन एफ टी किसके बराबर होता है, एन एफ टी माइनस सी प्लस एन एफ सी इंटरसेक्शन टी। ये एन एफ टी आपका 35 है, एन एफ टी माइनस सी आपका इज इक्वल टू एन एफ टी माइनस एन एफ टी इंटरसेक्शन सी, एन एफ टी आपका 35 है और एन एफ सी इंटरसेक्शन टी आपका 10 है। सो 35 माइनस 10 कितना हो गया, तो टी माइनस सी निकला 25। तो आज जी इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसको अच्छी तरह रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और उसके कंप्लीट नोट्स बनाइए। कल से हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।